हेलो बच्चा लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बिल्कुल भी नया है, क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कहाँ किया था हमने? एक्सरसाइज 4.1 में, क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन में, सेम टू सेम। उसमें थोड़ा बस इसमें ज्यादा था स्पीड और उसमें कम था, तो वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाके देखें, अगर वो समझ में आ गया तो ये तो आप खुद से कर लोगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो चलो, उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे देख भी सकते हैं। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन के सोल्व की बात करते हैं। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है? चाल बीच में बदलती नहीं, कम ज्यादा नहीं करती। जैसे हम मोटरसाइकिल में एक्सीलरेटर को कम ज्यादा करते हैं तो स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, तो उसने क्या किया, एक समान चाल मतलब कम ज्यादा स्पीड नहीं की है, और उससे कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 360 किलोमीटर की। अब यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब अगर जितनी चाल है उससे 5 किलोमीटर ज्यादा होती, तो वह उसी यात्रा को कवर करने में एक घंटा कम समय लेता। सीधी सी बात है भाई, आप स्पीड ज्यादा कर लोगे तो टाइम तो कम लगेगा। तो आपको पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी, तो जो पूछ रहा है बच्चा लोग वही मान लो यहां पर, ठीक है? माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है? आपने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? अब तय की गई दूरी ये लिखते हैं, कितनी है तय की गई दूरी, वो है 360 किलोमीटर, पहले की अगर हम बात करें, ठीक है? तो चूंकि बच्चा लोग एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वहां पर भी हमने देखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम ये पता करें कि समय का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, तो समय को इधर ले आओ, चाल नीचे आ जाएगा, तो समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो जो समय अभी यहाँ लग रहा है हमको, थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, तो वो दूरी कितनी है 360, और आपने चाल कितनी चली एक्स, ठीक है? ये चीज क्लियर होगी, इसको समीकरण एक ले लो। अब प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहा है, आगे पढ़े हम, उसने कहा कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो अब नई चाल है, पहले जो थी उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो नई चाल यहां पे मैं आपको बता दूं, तो पुरानी जो चाल थी उसमें 5 जोड़ दो, पुरानी चाल कितनी थी x, उसमें 5 जोड़ दो, तो ये नई चाल बन गई, ठीक है? दूरी तो उतनी ही रहेगी जितनी वहां पर तय की थी, 360 किलोमीटर की दूरी, ठीक है? अब समय कितना लगेगा, ठीक है? तो यहां पर जो समय लग रहा है वो मैं आपको बता दूं, कम या ज्यादा लग रहा है उसकी बात और करेंगे, ये t1 ले लेते हैं और ये t2। तो समय t2 जो है वो यहां कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है यहां पर x प्लस 5, ठीक है? अब अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं तथा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखा, उसने कंडीशंस दी है उसको फॉलो करवाते हैं। उसने कहा कि यह ना 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर अधिक करेगी तो उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेगी। तो भैया चाल जब ज्यादा होता है ना टाइम कम होता, तो टी टू टाइम कम है और t1 टाइम अगर ज्यादा है, बात समझ में आ रही? क्योंकि t1 जो है वो चाल जो है कम थी तो समय ज्यादा लगा, और t2 चाल जो है चाल ज्यादा थी, तो चाल ज्यादा तो टाइम कम लगा, तो t2 टाइम कम है और t1 टाइम ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को बराबर लिखूं तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है, आपको बताऊं मैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर मैं t1 को लिखता हूं पहले 360 बटे x, ठीक है? तो ये कभी भी t2 क्या है आपका बाद वाला 360 बटे x प्लस 5, इसके बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहां चाल कम है तो समय ज्यादा लगा, ये समय ज्यादा है, ठीक है? यहां चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। तो अगर इन दोनों को बराबर करूं तो ये दोनों बराबर थोड़ी है, कौन ज्यादा है, कौन सा समय ज्यादा है, ये वाला समय ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, अगर ये कम है तो इसमें कुछ जोड़ूंगा तो इसके बराबर हो सकता है, अभी ये बराबर नहीं है, तो कितना जोड़ेंगे पता है, ये कम है ना, तो ये कम है तो इसमें कितना जोड़ेगी, ये बराबर हो जाए तो एक घंटा जोड़ दो, ठीक है? अब चीज क्लियर हो जाएगी, अब दोनों समय बराबर हो गए। देखो ये ज्यादा समय था क्योंकि इसकी चाल कम है, और ये कम समय था क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, क्योंकि देखो x प्लस 5 चाल ज्यादा, अगर आप ज्यादा स्पीड से चलोगे तो टाइम कम लगेगा, ये टाइम कम है, इसमें एक घंटा जोड़ दोगे ना तब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इससे जब उसका कंपैरिजन किया था तो एक घंटा कम लगा था, सीधी सी बात है, इस प्लस 1 को इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा, तो पहले में से एक घंटा कम करोगे तो दूसरा वाला टाइम आ जाएगा, है ना? तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन हमको तो चूंकि चाल पता करना है तो हम तो ऐसा लिख रहे हैं। अब इसको इधर ले आओ, 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5, तो बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए बच्चा लो, कि कुछ चीज यहाँ से कॉमन ले लो, है ना, मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ यहाँ पे, 360 कॉमन ले लो अंश में से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटे एक्स और माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5, है ना, बराबर में क्या आ रहा है 1। अगर आप लोग देखेंगे इसका पक्षांतर उधर हो सकता है,
इसको सॉल्व करो पहले, एक्स प्लस पाँच एकम एक्स प्लस पाँच और एक्स एकम एक्स और बीच में आएगा माइनस का एक्स और इन दोनों का नीचे गुणा, तो एक्स का गुणा एक्स से एक्स वर्ग और पाँच के साथ पाँच एक्स, ठीक है, और ये एक है और ये 360 इधर बटे में चले गया, ठीक है, या नहीं ले जाओ तो यहाँ ऊपर रहने देना, बाद में गुणा करना पड़ेगा, बात वही है, नहीं ले जाओ तो चलो ये 360 अभी यहीं रहने दो जो बाहर है, ठीक है, आपने अंदर का कैलकुलेशन किया, इधर एक ही है, ठीक है, आपने अंदर का कैलकुलेशन किया सर, 360 बाहर है आपके पास, अभी ऊपर एक्स से एक्स कट गया, 360 में 5 का गुणा होगा, 360 गुणा 5, ठीक है, और ये एक्स वर्ग प्लस 5 एक्स भाग से ट्रांसफर कर दो तो गुणा में चल जाएगा, तो एक्स वर्ग प्लस 5 एक्स एक से गुणा करेगा तो वापस वही आ जाएगा एक्स वर्ग प्लस 5 एक्स, ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो ये पहले से यहाँ पर एक्स वर्ग 5 एक्स पहले से ही है और ये माइनस में पूरा टर्म चले जाएगा, कितना आ जाएगा 500 5 6 30 के 0 हासिल आए 3 5 3 15 और 3 18, तो ये हो गया 1800, ठीक है, अब इसको मिड टर्म स्प्लिट करके हम लोग को निकालना है कि यहाँ पर उसकी चाल क्या है, ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह कम है, उसको मैंने कॉपी किया एक्स वर्ग प्लस 5 एक्स प्लस 1800, अब 1800 को फैक्टोराइज करना पड़ेगा क्योंकि 1800 का 1800 आ रहा, चलो पहले करते हैं और उसको फैक्टोराइज करके देखते, ठीक है, तो 2 से 900 बार, 2 से ही हो जाएगा 450 बार, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 बच रहा है, तो इसको 3 से ट्राई करो, 3 7 21 और 3 पंजे 15, चले गया ना, 3 7 21 और फिर 3 से ट्राई करो, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 बच जाएगा, 25 तो 5 से जाएगा, तो चलो 5 5 2 बार लिखना है, तो 5 से 5 बार और 5 से गया तो 1 बार, अब इतने सारे 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, इतने सारे अंक में से सिर्फ 2 अंक लेने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 1800 आ जाए, सोचो सोचो क्या ले क्या ले, तो कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं यहाँ से, है ना, 25 और 25 दूनी 50, 3 3 9 और 9 दूनी 18 और 2 36, ये तो बन नहीं रहा, एक काम करते हैं यहाँ पर ऐसा बनाते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये ले लिया और 8 पंजे 40, ये हो गया आपका 40, 3 3 9 और नपाम 45, ठीक है, तो 45 में 40 घटाएंगे तो आ जाएगा, चलो बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया, एक वर्ग प्लस 40 में से क्या सॉरी 45 में से 40 जाएगा, 45 में से 40 जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा ना, बाहर क्या है एक्स प्लस का 1800 बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0, तो यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हो, अभी कॉमन नहीं लेंगे, पहले गुणा करते हैं, एक्स वर्ग प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, सिर्फ एक्स का गुणा होगा अभी, ठीक है ना, अब ये बन जाएंगे हमारे पास दो टर्म, कितने टर्म बन गए, दो दो के युग्म, इसमें से क्या कॉमन आएगा आपको पता ही है, एक्स कॉमन आएगा और अंदर भी एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा 45, कैसे बचेगा अभी तक आपको फैक्टराइज करके दिखाया, अब देखो यहाँ है ना एक्स वाली टर्म नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो पहले तो माइनस कॉमन लो, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में मिल जाएगा, और साथ में 40 को भी कॉमन ले लेते, तो यहाँ माइनस के 40 एक्स में से माइनस का 40 अगर कॉमन जाएगा तो माइनस का 40 कटेगा, प्लस का एक्स बचेगा, ठीक है, 1800 जो है 1800 में से आप क्या कॉमन ले रहे हो, माइनस का 40, तो क्या बचेगा जरा ध्यान से देखें आप लोग, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और माइनस का 45 बचेगा यहाँ पर बराबर में 0, देखिए एक्स प्लस 45 एक्स सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के ना, माइनस का ये प्लस का 1800 है और उसमें से आपने क्या कॉमन लिया माइनस, तो माइनस का बचेगा, तो यहाँ प्लस कैसे बन सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, ये 1800 आपका प्लस का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1800 यहाँ पे देखो किसका है माइनस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 100, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 1800, ठीक है, वो वहीं से गलत कॉप कर लिया था, तो अब सही बैठेगा यहाँ पे कि देखो माइनस 1800 में से माइनस 40 कॉमन लिया तो माइनस का 45 आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का नहीं, माइनस ये दोनों माइनस के हो गए, सॉरी अब कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठेगा, कैसे देखो ये दोनों माइनस के, अगर माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर दोनों प्लस के होंगे, तो यहाँ पे बता दूं फिर से मैं आपको, माइनस के 1800 में से आपने माइनस का क्या कमा लिया 40, माइनस माइनस कटेगा 0 0 कटेगा 4 चौक 16 4 पंजे 20 तो प्लस का 45, अब क्लियर है x प्लस 45 को कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा माइनस 40 बराबर में 0, तो x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर माइनस का 45 और x बराबर 40, क्योंकि चाल जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये तो नहीं ले सकते, तो x बराबर 40 आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना, चूंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना, इसलिए क्या x इज नॉट इक्वल टू माइनस 45, अतः x बराबर 40, अतः चाल की अतः
कार की चाल कितनी है, कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई थिंक बच्चा लोग आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और यदि चैनल पे रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लो, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।